राफेल सौदे को लेकर भाजपा को घेरने चली कांग्रेस की उपायुक्त कार्यालय में जमकर तू तू मैं हुई। ये घटना तब घटी जब राफेल मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता उपायुक्त सोलन विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। कुछ कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय में बहुत जल्दी पहुंच गए और उन्होंने उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंप दिया। कुछ बड़े नेता देरी से पहुंचे, लेकिन उससे पहले ज्ञापन दिया जा चुका था। इस पर कार्यकर्ताओं ने एतराज जताया तो खुलासा किया कि कार्यकर्ताओं को समय पहले तो कुछ को बाद का समय दिया गया था और यही समय विवाद का कारण बना। कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस मौके पर कहा कि राफेल डील में 1,00,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन इस मामले पर देश के प्रधानमंत्री मौन हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जनता जानना चाहती है कि आखिर भाजपा कार्यकाल में 220 करोड़ रुपए का विमान 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया और इसका जवाब भाजपा को देना होगा। अगर ये घोटाला नहीं है तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन क्यों हैं? मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने जो है एक्सचेकर का जो है दुरुपयोग किया है, इसी को देखते हुए जो है हमारे माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मांग की है कि इसमें पूरा का पूरा कम से कम ये 1,00,000 करोड़ रुपए का घोटाला जो है कि करीब करीब इसे पकड़ा जाएगा। पर मुझे ये नहीं मालूम कि मोदी जी इस पर चुप क्यों बैठे हैं। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज तक के इतिहास में डिफेंस के मामले में ये सबसे बड़ी जो है घोटाला जो है इस डील के थ्रू जो है सामने आएगा, ऐसा हमारे को पूर्ण विश्वास है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश भर में राफेल स्कीम को लेकर जो है जिला मुख्यालयों पर जो है ज्ञापन सौंपा गया और कांग्रेस ने मांग करी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था कि 520 करोड़ का जो राफेल विमान है वो 1600 करोड़ का कैसे बन गया। हमें देश की जनता को पूरा अधिकार है कि वो ये जान सके कि इतनी बड़ी जो कीमत बढ़ी है उसका क्या कारण है और कोई ना कोई जो है ये बहुत बड़ा घोटाला जो है इसमें सामने आएगा और देश की जनता को मैं मानता हूं कि पूरा अधिकार है ये जानने का कि ये घोटाला क्या है।